राजगढ़ की कलेक्टर निधि निवेदिता ने जो किया उसे लेकर मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूं। ये बातें जल संसाधन मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने शाजापुर में एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। देखिए एक खास रिपोर्ट। कमलनाथ सरकार में जल संसाधन मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने शाजापुर रेस्ट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान जमकर सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। इसके अलावा उन्होंने राजगढ़ थप्पड़ कांड पर बोलते हुए कहा कि राजगढ़ की कलेक्टर निधि निवेदिता ने जो किया वो एक साहसिक कृत्य है जिसका वो समर्थन करते हैं। कानून तोड़ने वाले को उसने तमाचा दिया है और मैं मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं और मुझे गर्व है कहते हुए कि एक महिला होने के नाते उसने जिसने कानून तोड़ने का काम कर रहा था उसको रोकने के लिए खुद को थप्पड़ मारने का काम किया। वहां पुलिस के खिलाफ कार्रवाई कम हुई, वो काम पुलिस को करना था जो पुलिस नहीं कर पाई, उस पर भी हम एक्शन लेंगे और चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कहां चूक हुई है। इसमें किसी को कुछ भी करने की इजाजत होगी क्या? प्रजा करता है। पूर्व मंत्री बद्रीलाल यादव जी जो बोले उससे यह बात साबित होता है कि मातृशक्ति के प्रति आपका और आपकी पार्टी का दृष्टिकोण और आपका सम्मान कितना है। चाल चरित्र का जिक्र करते हुए मंत्री कराड़ा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कि चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाले लोगों को ये बात मैं बताना चाहता था कि भ्रष्टाचार तो बात की बात जो आप कह रहे हो, आपके पास कई संवैधानिक संस्थाएं हैं, आप उनमें जाइए और उसको चैलेंज करिए और उस चैलेंज को साबित करिए तो जनता के बीच में सारी चीजें आ जाएगी। अगर हम गिनाने लगेंगे आपको आपके चरित्र को जैसा आप कह रहे हैं तो फिर चिम्मयानंद को भी याद करना पड़ेगा हमको और लोगों को भी याद करना पड़ेगा। और ये आंकड़े बता रहे हैं कि 15 साल में 225 करोड़ से ज्यादा का माइनिंग नहीं हुआ। कैसे लूट हुई? भ्रष्ट वो थे कि जिनने एक साल में 12-1250 करोड़ रुपए का अर्निंग किया, आय वृद्धि की, या वो लोग ईमानदार हैं जिनने 225 करोड़ रुपए का ही सिर्फ रेवेन्यू वसूल किया और बाकी लूटने का काम किया। कौन भ्रष्ट है ये तो जनता तय करती है, आप और हमारे प्रमाण पत्र की किसी को जरूरत नहीं है। और जो लोग अतिक्रमण हटाने जाते हैं उनको आप बेट बल्लों से मारते हैं तो चाल और चरित्र आपका देखिए जरा, आप किस तरह से काम कर रहे हैं। आप दूसरों पे क्या उंगली उठाते हैं? ठीक है, आप एक बार नहीं हजारों बार पुतले जलाइए, पुतले से कुछ नहीं होता है, जनता किसको एप्रिशिएट करती है ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, जनता किसको चाहती है ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, जनता की भावना क्या है ये ज्यादा महत्वपूर्ण। कुल मिलाकर प्रेस वार्ता में जल संसाधन मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने कमलनाथ सरकार के कामकाज का खूब बखान किया। वहीं बीजेपी पर विभिन्न मुद्दों को लेकर काफी हमलावर भी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, शाजापुर।